उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सीएम धामी के विधानसभा क्षेत्र चंपावत का दौरा किया। इस बीच राज्यपाल ने स्वामी विवेकानंद की तपोस्थली लोहाघाट पहुंचकर आश्रम में ध्यान लगाया और आश्रम की खूबसूरती देखकर इसे अद्भुत कहा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह चंपावत पहुंचकर स्वामी विवेकानंद की तपोस्थली लोहाघाट के मायावती आश्रम पहुंचे, जहां आश्रम के प्रबंधन ने राज्यपाल का स्वागत किया। राज्यपाल ने स्वामी विवेकानंद जी के कमरे में पहुंचकर वहां ध्यान लगाया और उनके संग्रहालय को देखा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मायावती आश्रम की खूबसूरती की सराहना करते हुए कहा कि ये स्थान आध्यात्म का स्वर्ग है, यहाँ से दिखने वाली हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं अद्भुत हैं। राज्यपाल ने कहा वो एक बार अपने परिवार के साथ मायावती आश्रम जरूर आएंगे। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद की तपोस्थली में आकर वे धन्य हो गए हैं। स्वामी जी की प्रेरणा से उनके अनुयायी जो निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर क्षेत्र के लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो तारीफ काबिल है। इतनी सुंदर जगह जहाँ पर आपको ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, ओम की शक्ति द्वैत्य का क्या है समझने के लिए ये जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो कहूंगा कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि स्वामी विवेकानंद जी यहाँ आए, उन्होंने खुद यहाँ पर ध्यान किया। और जब मैं दोनों ही स्थान पे गया, जो ऊपर वाला स्थान जहाँ 6 दिन रहे और नीचे वाला जहाँ 9 दिन रहे, उनमें एक चमत्कार दिखाई देता है। उस जगह के अंदर में आप खुद जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके मस्तिष्क में कोई भी सोच नहीं आएगी। यू कैन रियली एंजॉय द मेडिटेशन इन द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इट। मुझे बहुत खुशी है कि मैं जब यंग ऑफिसर था, कैप्टन था, तो मैंने उस वक्त में विवेकानंद जी की 9 वॉल्यूम पढ़ी थी। आज स्वामी जी ने मेरे को फिर दोबारा से 9 वॉल्यूम दी है और मैं उसको दोबारा से अध्ययन करूंगा। अगर इस जगह का सचमुच ही लुत्फ लेना है तो कम से कम 3 दिन इधर में आना जरूरी है। 3 दिन आकर एकदम अपनी आत्मा को स्वच्छ, प्रबल और ये समझने की कि हमारा ब्रह्मांड के साथ में क्या कनेक्शन है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।